टेडी या इसका हाँ ये स्पेशल गेस्ट है ये बाजू अपने सर के ऊपर हैप्पी बर्थडे पहना हुआ है। मैं बस एक बात कहूंगी अपना टाइम आएगा। राय केक ये बहुत डिलीशियस लग रहा है टॉफी फ्लेवर के। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज 6 दिसंबर मतलब मेरी बहन से मैरिज की पार्टी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग पे उसको देखा ही हुआ और हमने सारा डेकोरेट किया हुआ है ये सारा। अभी केक कटिंग करेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी सार पर दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट डे पे हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को अपनी साल लाजम दिखाऊंगी। अभी हम लोग की उन्होंने केक रख दिया, ऊपर हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है और ये बर्थडे गर्ल भी बैठी है रेडी और विद माय डैडी। या इसका हाँ ये स्पेशल गेस्ट है, ये बाजी का बचपन का मोस्ट फेवरेट टॉय है अभी तक इसे सामने रखा हुआ और ऊपर उनकी लंबी सी जैकेट इसे पहनी हुई है ये बाजी के बचपन की। हम सब ने इस सर के ऊपर हैप्पी बर्थडे पहना हुआ है। अभी मैं अपना भी दिखाऊंगी, मैंने भी पहना या हैप्पी बर्थडे। एज यू कैन सी मैंने भी हैप्पी बर्थडे पहना हुआ। अब केक कट करने लगे हम लोग और भी कैंडल्स लेंगे। ओह मुझे बहुत डर लगता है चलाते वक्त। ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय रिवेंज ले लिया तुम साहब ने मेरे साथ मेरी बर्थडे पे किया था ना। मैं बस एक बात कहूंगी अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा। एंजॉय करती थी ना, अब अच्छी लग रही है, पता चल गया बहुत अच्छी लग रही है। अब पता चले कैसा फील होता है मेरी आपके भी जो बालों में लगा उसका क्या भाई, और आपके अलग ही वार्ड चल गए लेकिन उसका मजा आया। बर्थडे गर्ल ने बचा रही है और ये बेचारी सफाई कर रही है। आप अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग करती हो, आप अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग करती हो, लोगों को लगने असल पर सो रही है। कैसा फील हो रहा है आप सबको? रात को हम लोगों ने सेलिब्रेशन की, सबको बहुत ज्यादा मजा आया, स्पेशली बाजी को मजा आ गया था तो मतलब हम सबको भी बहुत ज्यादा मजा आया। सो अभी नेक्स्ट डे हो गया, रात हो गई बल्कि नेक्स्ट डे की, तो अभी बाजी बर्थडे गर्ल अभी भी स्टिल, सो हम लोग उसको कोई स्पेशल डिनर देंगे। बाजी हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज आई एम अ बर्थडे गर्ल। शॉर्ट काटते हुए आई एम नॉट बर्थडे गर्ल, शी इज बर्थडे गर्ल ऑब्वियसली। नूर आया हुआ बर्थडे गर्ल के मुंह पे। सो अभी हम लोग आ गए मॉल के अंदर क्योंकि हम लोगों ने भी कोई रेस्टोरेंट डिसाइड करना था। आप ही भी साथ था, आप ही हेल्प करेंगे हमारे होटल से शायद मे बी हम लोग बर्गर सेंचुरी बर्गर से। अच्छा आइडिया से मेरा भी सेंचुरी बर्गर का दिल है। ऊपर से किसी रेस्टोरेंट से पिज्जा या फिर फ्राइज जैसे मतलब कुछ इजी बर्गर ज्यादा अच्छा लगे मुझे, पिज्जा वगैरह तो खाते पास्ता तो मेरा मोस्ट फेवरेट डिश है। आप लोगों को नहीं पता स्ट्रेस फॉर यू ऑल पास्ता मेरी फेवरेट डिश है। बर्गर भी मुझे अच्छा लगता है। ये अभी देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं। सो जो भी डिसाइड होगा साथ में आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ऑब्वियसली आप लोग भी साथ पे मेरी बहन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। हम लोग एक किस रेस्टोरेंट पर आए हैं, आज हम लोग ये खाएं या उसके बाद कोई और देखें अभी कंफर्म होते तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हम लोग आ गए फूड कोर्ट और अब यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट देख रही हूँ, सारे टिपिकल है, बेग मैकडोनल्ड्स कूडू फर्फी वगैरह। हमें कुछ चाहिए स्टैंडर्ड का, ऑफकोर्स बर्थडे है कुछ बर्थडे टाइप का हो। हमने वहाँ पे लास्ट बेंच इस चीज़ रिजर्व करा दिया, मामा का कुछ और खाने का दिल था तो मामा ने इस रेस्टोरेंट से अपना खाना ऑर्डर कर लिया हुआ है। तो अभी देख रहे हैं अभी हम लोग उस रेस्टोरेंट पर जाएंगे, मामा का जो उनसे ऑर्डर है वो रेडी हो गया, अब हम लोग यहाँ पिक करेंगे। तो
खुश हैं बाप? यस, ये मम्मा का फेवरेट फूड आ गया आज। ओके, सो हम लोग यहाँ पे केक्स के लिए आए हैं। सब को ये पसंद आया कि ये बहुत डिलीशियस लग रहा है, टॉफी फ्लेवर का है। स्माइल का फेवरेट चीज़ केक है। स्माइल खुश हो जाएगी केक देख के, बहुत पसंद आया हमें, तो ये भी हम ले रहे हैं। हमने ले लिए है स्माइल के लिए केक्स, तो स्माइल देख के सरप्राइज हो जाएगी। स्माइल को पता था सिर्फ हम लोग डिनर करने आए, रात को हमने केक कट कर लिया था और अभी हम दोबारा इंशाल्लाह केक कट करेंगे स्माइल के साथ। आपको पता है इसका क्या है? टू केक्स सच्ची। तो ये ऑर्डर लेकर और बाजी के लिए केक्स लेकर अब हम लोग जा रहे हैं उसी दिन पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अब हम लोग करेंगे डिनर। हम लोग आ गए रेस्टोरेंट पर, उन लोगों ने यहाँ पे अपना ऑर्डर दिया और अब हम लोग वेट करेंगे कि कब हमारा खाना है। अभी यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी बनते हुए दिख रहा है, और जिसको देख के और भूख लग रही है। और ये देखिए हमारे प्लेट से रेडी हो चुकी है, बस ऊपर जो सी चीज मिसिंग है वो है हमारे बर्गर्स। चुका, मामा से इंतजार नहीं हुआ, मामा ने खाना शुरू कर दिया। मामा अच्छा किया क्योंकि जो सा भी हमारा ऑर्डर है उसको भरने पर थोड़ी देर लगनी थी। और ये बात थी कि केक्स भी रिवील हो चुके हैं। बाजी, आर यू हैप्पी? यस, आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बाजी, आपके 3 केक्स कट हो रहे हैं और हमारा ऑर्डर भी आ गया। सेलिब्रेट करते हुए बहुत खुशी है बाजी, आज बहुत खुशी है। वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोग बर्गर चेक करें कितना हैवी है, अंदर चीज एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑन पॉइंट। अजब बेइज्जती है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको ऐसे सरप्राइज मिला था? एक्सपेक्ट ही था किया, ये मुझे एकदम से बहुत ज्यादा हैप्पीली सरप्राइज मिला। वैसे लेट टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे वेटर्स आएंगे। ये भाई और आप ही नहीं कुछ किया था? घर जाना है, ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि हमने बोले कि घर पर जाकर ना इसको कोई एक और गिफ्ट मिलेगा, बेचारी सीरियस हो गई है। वैसे तो कुछ नहीं है, यू नो, कुछ नहीं है या कुछ नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। चलो अब सीधा बलून्स मिल गए, सबसे अच्छा और क्या चाहिए। बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर लिया, अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भाजी को भी मज़ा आ गया, हम सबको भी मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे और हमारी सेलिब्रेशन इतनी ही थी, घर पे कुछ नहीं है। फोर रियली सुनती को लगा था घर पे भी कोई सरप्राइज है। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर दें। डोंट फॉरगेट बाजी, हैप्पी बर्थडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सैंडविच। वाह, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। मम्मी कितनी बड़ी कामयाबी से आई है।
पापा ने दिया शिट मैन ओह इमोशनल हो गई है अच्छा क्या हो गया स्माइल स्माइल